So yes, so, yes, I'm, I'm just, just very happy, happy with the opportunity, with the opportunity given, given to me by, by Siddharth and, and Adi. And you uh, uh, see, these, these are my co actors, co -actors and, friends, and friends, so, so opportunity, opportunity given, given to all of us, I'm sure. sure. And, and inshallah, whenever he wants me wants to, to do Padhana I'll, I'll try, try and be, be bigger, better, and I'll try my best to be as good. As, as the, the films, films that, that Siddharth, Siddharth, makes, Siddharth makes, as, as, as a, a, director, a director and as producers, and all the writers, and we are all friends. See, actually, because I'm very well aware that Siddharth is a very kind हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज अंकुर महद्रा तो दोस्तों ये जो मैंने अभी क्लिप लगाई थी उम्मीद करता हूं आपने देख ली होगी और समझ ली होगी मतलब इससे हमें क्या हिंट मिला है शाहरुख खान बोल रहे हैं कि जब सिद्धार्थ आनंद चाहेंगे भाई वो पठान टू में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस बार वो अपने बाल इतने बड़े कर लेंगे और एंड पठान टू विल बी बिगर एंड बेटर मतलब इससे क्या हिंट मिल रहा है शाहरुख खान चाहते हैं के पठान टू बने इवन सिद्धार्थ राज आनंद भी चाहते हैं पठान टू बने और कौन नहीं चाहेगा पठान टू बने फैंस भी चाहते हैं मैं भी चाहता हूं हर कोई चाहता है क्यों रीजन क्या है इतनी बड़ी फिल्म की फ्रेंचाइजी तो बननी चाहिए अगर पठान ने इतना बड़ा कारनामा किया है जब पठान टू बनेगी तो क्या कारनामा करेगी क्यों मैं आपको बताता हूं देखो के जी एफ वन आई तो के जी चैप्टर टू ने क्या धमाल किया आप सोच रहे हैं टू का जो पीछे लग जाता है ना वो अलग ही लेवल पर चला जाता है तो भाई ये सुन के बहुत अच्छा लगा और शाहरुख खान ने एक बात और अच्छी बोली कि भाई वो जब सुबह उठते हैं तो वो बोलते हैं आई एम द बेस्ट जब आप ही अपने आप को आई एम द बेस्ट नहीं बोलेंगे तो आपको दुनिया क्या समझेगी और सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान के बारे में कितनी जबरदस्त बात बोली शाहरुख सिद्धार्थ आनंद ने बोला कि शाहरुख खान ना क्ले की तरह है वो पूरी तरीके से अपने आप को डायरेक्टर को सौंप देते हैं डायरेक्टर जैसा चाहे वैसा उनके साथ काम करा सकता है उन्हें जैसे मन करे वैसे ढाल सकता है अगर शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं चलती है तो इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है वो टोटली डायरेक्टर का फॉल्ट है इतना बड़ा डायरेक्टर अगर ये बात बोल रहा है तो कुछ तो उस बात में दम होगा तो भाई जो मैंने पूरा इवेंट देखा और देखने में मजा आ गया सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइट किया इस पठान टू वाली बात ने भी कितनी सच है नहीं है कुछ नहीं पता बट जब पठान टू आएगी तो बवाल मचेगा ही मचेगा बस यही आपको बताना था कुछ अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग